लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। 20वें बीएनएम प्रॉपर्टी एक्सपो को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 13 तारीख से उसकी शुरुआत होने वाली है। इस वक्त हमारे साथ ट्रस्टी मेंबर हैं बीएनएम के देवांग त्रिवेदी जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या खास होगा इस बार का प्रॉपर्टी एक्सपो? ये एक्सपो के थ्रू हम दो चीज़ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। नवी मुंबई 360 डिग्री इन टर्म्स ऑफ इट इज़ होलिस्टिक। यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस प्लेग्राउंड्स के साथ में स्वच्छता को एक बहुत बड़ा प्राधान्य दिया गया है और कोविड के क्षण में लोगों को एक हेल्थ को एक प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए वो समझ में आई है। एंड फाइनली वी हैव सीन लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन एंड अराउंड। लोग बात करते हैं कि फ्यूचर में आने वाला है, यहाँ पर ऑलरेडी ख़त्म होने आए हैं या ख़त्म हो चुके हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है विच आर ऑफ वेरी बिग मैग्नीट्यूड वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो उसका कम्युनिकेशन हम करना चाहते हैं। थर्डली वी वुड लाइक टू ऑल्सो कम्युनिकेट कि यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है दे आर नाउ ऑलमोस्ट वर्ल्ड क्लास इन टर्म्स ऑफ पैकेजेस एंड अदर थिंग, तो उसकी वजह से भी लोग यहाँ पर नवी मुंबई में आने चाहिए। एक चीज़ जो सबसे बड़ी देखी जाए कि हाँ रीडेवलपमेंट चल रहा है, ऐसे में लगता है कि आपको उसका असर भी कहीं नए प्रोजेक्ट पे पड़ेगा या क्या खास होगा कि जिसको लेकर फोकस किया गया है इस बार बीएनएम में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो होम बायर्स हैं उनको फ़ायदा मिल सके? रीडेवलपमेंट होना नवी मुंबई के लिए बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस सिटी बिकॉज रीडेवलपमेंट में काफ़ी सारे जो टेनेंट्स थे दे वर हैविंग अ वेरी कॉम्पैक्ट एंड अ कंजेस्टेड फ्लैट एंड 30 ईयर्स से जुने बिल्डिंग थे, डिलेपिटेटेड थे, आज उनको एक नया घर मिलेगा और काफ़ी सारे जो लोग हैं वहाँ पर रह रहे दे हैव ओनली अपग्रेडेड टू द न्यू अपार्टमेंट्स उनके बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर जनरेशन के लिए, सो दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी गुड। एक चीज़ है, जो फ्लैट्स होंगे वो कितने से शुरुआत होगी और कितने तक की प्रॉपर्टी जिसमें इस बार शोकेस की जाएगी? और इस बार जो देखा जा रहा है कि लग्जरी और मिड लग्जरी सेगमेंट में ज़्यादा डिमांड देखी जा रही है, तो क्या लगता है आपको अफोर्डेबल सेगमेंट कैसे बरकरार रहे, इसको किस तरह से ध्यान रखा है? अफोर्डेबल सेगमेंट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 60% ऑफ द बिजनेस, लेकिन अगर आप लग्जरी और मिड लग्जरी सेगमेंट देखोगे तो उसमें ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ आया है, दैट इज़ मे बी मच मोर देन 100%। सो न्यू बॉम्बे में 20 लैक्स का भी एक घर मिलता है, पेरीफरी में अभी अप टू पनवेल तो नथिंग लेस देन 50 लैक्स, पेरीफरी में 20 से 25 लाख 30 लाख खपोली करजत में मिलता है, 30 to 40 लैक्स इन तलोजा एरिया एंड ऑन पाम बीच फ्रॉम 3 crores टू ऑलमोस्ट 10 crores, सो देर इज़ समथिंग फॉर एवरीबडी। क्या अपील क्या होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बार फुटफॉल हो, ज़्यादा से ज़्यादा होम बायर्स या जो होम सीकर्स हैं वो यहाँ पे आ सकते? मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट का जो प्राइस है वो सप्लाई और डिमांड से इट इज़ डिसाइडेड बाय सप्लाई एंड डिमांड, बट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो यूक्रेन वॉर की वजह से बढ़ा है, सो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज इंक्रीज बाय से 20 to 80% इन टर्म्स ऑफ सर्टन मटेरियल्स, सो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 500 to 800 rupees ऑफ स्क्वायर फीट, सो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर्स को ये एडिशनल कॉस्ट पे करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है ये जो बीच का गैप पीरियड है टिल द टाइम यू नो द प्राइसेज आर नॉट इंक्रीज, आई थिंक पीपल शुड कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस एंड बुक अपार्टमेंट्स। थैंक यू देवांग भाई, जैसे कि आपने सुना कि जो ये पीरियड है वो आने वाले समय में जो जिस तरह का यूक्रेन वार के बाद से जो मटेरियल्स के बिल्डिंग मटेरियल्स के जो रेट बढ़े हैं उसका असर हाउसिंग पे पड़ सकता है, मकान महंगे हो सकते हैं, इसलिए ये जो एग्जीबिशन है वो बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो अभी तक घर खरीद नहीं पाए हैं। कैमरामैन घनश्याम गुप्ता के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नवी मुंबई।